मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, टेंसी आपने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। मेटल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, वैसे जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो आप 8 तक पढ़ के आते हो, ठीक है। उसके बाद अभी नॉन मेटल्स पढ़ लो, राइट। पर मेटल्स में ही हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी रह गई है उनकी, डेट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो मेटल्स है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? डेंसिटी ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो ज्यादा होती हैं, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप इजीली उनको क्या नहीं कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो, दैट मींस दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके। इसमें जो एलिमेंट जिसका सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कौन सा है? बल्ब्स में आप वो यूज करते हो, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन की फिलामेंट्स होती हैं बल्ब में, राइट। तो दैट इज हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा, जितना मर्जी ज्यादा उसका क्या हो जाए, टेम्परेचर राइज कर जाए, करंट आ जाए, बट जो टंगस्टन की वायर है, जो टंगस्टन की फिलामेंट है, वो इजिली मेल्ट नहीं होती है। बट हेयर इज वन एक्सेप्शन फॉर द मेटल्स, we will be talking about the exception of gallium and cesium that are actually having very very low melting point. और gallium का तो इतना कम होता है कि अगर आप उसको अपने palm पे रखते हो, ठीक है, तो वहीं पे melt कर जाता है। If you put gallium on your hand, on your palm, तो वो उसका इतना कम होता है कि वो hand के ऊपर ही आपके क्या कर जाता है, melt कर जाता है, right? So एक्सेप्शंस हैं गैलियम और सीजियम की, और सबसे ज्यादा हाई किसका है? टंगस्टन, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोनोरस, व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरसिटी? साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर यू हिट मेटल्स विद समथिंग, दे प्रोड्यूस साउंड, ओके। सो दैट इज कॉल्ड सोनोरसिटी। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग, तो इसीलिए हम क्या कहां पर इसको यूज करते हैं? बेल्स के लिए, ठीक है। आयरन बेल्स के लिए हम इनको क्या करते हैं? यूज करते हैं। नाउ राइट डाउन फॉर द नॉन मेटल्स, नहीं, सोनोरस तो सारे ही होते हैं, साउंड तो सारे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, साउंड तो सारे प्रोड्यूस करेंगे। मरकरी तो लिक्विड ही है, ठीक है। जो हमने एक्सेप्शंस डिस्कस कर ली है वो थोड़ा इंक्लूड करना हमने। सोडियम पोटेशियम वैसे सॉफ्ट है, बट दे विल बी सोनोरस जब आप उसको वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट कर लोगे, एंड इफ यू हिट इट विद समथिंग दे विल प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। साउंड प्रोडक्शन तो सब में ही है, क्योंकि हार्ड है ना, अभी हार्ड चीज है, साउंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। सो वेन एवर यू टेकिंग द थिंग इन इट्स हार्ड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, ठीक है, तो नेचुरली वो कोई ना कोई आपको साउंड जो है वो जरूर देगी। अब इसकी देख लो, ठीक है, तो क्योंकि बीच में सॉलिड है, इसकी है सॉलिड है, तो साउंड तो सबका ही फैक्टर है। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो जो जो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं वो सारी किसमें चली जाएंगी? नॉन मेटल्स में विद द ऑपोजिट वन। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था मेटल्स के केस में? They are hard, ठीक है। Non metals में अब हम क्या कहेंगे? They are soft, ठीक है। जो non metals हैं वो hard की बजाय क्या हैं? Soft, okay? और states बताओ, जो metals हैं वो किस में exist करते हैं? Solids में। जो non metals हैं वो किस किस state में exist कर सकते हैं? Solid में भी exist कर सकते हैं, liquid में भी exist कर सकते हैं, and gaseous state also. Name some solid, liquid, gaseous, non-metals. N2, O2, Cl2, helium हो गई, और sulfur, phosphorus, ये पढ़ के आए हैं आप, ये तो solid में आ जाएंगे, ठीक है। और कौन कौन सी गैसेज हैं बेटा? हाइड्रोजन गैसेज, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है,
ऑर्गन में इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी गैसेस हो गई, ठीक है। लिक्विड स्टेट में बताइए, लिक्विड स्टेट में कौन सा नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है, याद रखना है। नहीं, ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैसियस स्टेट में भी हो जाता है बेटा, दे हैव नॉट कंसिडर, फ्लोरीन है। ब्रोमीन जो है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ठीक है। ब्रोमीन विल बी अवेलेबल इन दी लिक्विड स्टेट। सॉलिड्स में कार्बन, फास्फोरस लिखा मैंने, हाइड्रोजन बेटा गैसियस में, सल्फर और लेड मेटल है बेटा, क्या हो गया, हाँ जी, और डायमंड तो कार्बन की फॉर्म्स आ जाती हैं। आयोडीन यू कैन राइट डाउन, ठीक है। तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं आपके जो सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयोडीन सॉलिड्स में भी होते हैं, आयोडीन के वेपर्स भी सॉलिड है, लिक्विड में क्यों आ जाएगा वो तो प्रेशर एक्सर्शन की बात है ना। वैसे आयोडीन के हमारे पास वेपर्स भी होते हैं, आयोडीन के स्मॉल स्मॉल ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, राइट डाउन। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड कान बी पॉलिश्ड, गैशियस नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन हीलियम हाइड्रोजन फ्लोरीन आर्गन, दे ऑल आर गैशियस इन स्टेट, ठीक है जी। सो दे आर नॉन लस्ट्रस, शाइन नहीं करते हैं, दे डोंट पोजेस शाइन विद द एक्सेप्शन ऑफ With the exception of iodine and इसमें हम exceptions की बात करेंगे for the graphite, है तो carbon ही but अलग सी फॉर्म है ना, ग्रेफाइट और डायमंड दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गई हैं, आप पढ़ के आए हो कि नहीं अभी, अच्छा टेंथ में ही, ग्रेफाइट एंड आयोडीन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, ग्रेफाइट एंड डायमंड की फॉर्म्स। नेक्स्ट राइट डाउन, डोंट शाइन डोंट पोजेस शाइन, कुछ भी लिख लो, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है। हाँ, एक्सेप्शन मीन्स ये चीजें शाइन करती हैं, वो मैंने नॉन मेटल्स के लिए लिखा है कि नॉन मेटल्स जो है वो शाइन नहीं करते हैं विद द एक्सेप्शन, ठीक है, इनको एक्सक्लूड करके ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो शाइन करेंगे। एक्सेप्शन का मतलब ही वो होता है कि वो वहां से अलग बिहेव कर रहे हैं उनसे, ठीक है जी। नेक्स्ट राइट डाउन, सॉफ्ट में हमने पॉइंट डिस्कस किया था दैट दे आर जनरली सॉफ्ट, बट व्हाट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ठीक है, तो वो उसमें एक्सेप्शन लिख लो सॉफ्ट में। विद द एक्सेप्शन ऑफ डायमंड दैट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, एक्सेप्शन तो सारी अच्छे से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट राइट डाउन, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, दे कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू द पीसेस, हाँ, थिन शीट्स थिन पीसेस, वायर्स में नहीं ड्रॉ कर सकते हम इनको, ठीक है। इसमें से फॉस्फोरस एंड सल्फर, they are the most brittle non-metals, they are the most brittle non-metals, सबसे ज्यादा brittle nature के हैं कौन कौन, phosphorus and sulfur, ठीक है जी। they are not malleable, they are not ductile, ठीक है। malleability क्या होती है,
So the property by which you can convert the substance into sheets, that is called malleability. Okay, and if you want to draw them into wires, that is called ductility. ठीक है, तो नॉन मेटल्स को ना ही हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही वायर्स में. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हार्दिक आ जाए, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट. राइट, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट. तो ना ये हीट कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी. समीक्षा, ब्रिटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन विच यू कांट कन्वर्ट द नॉन मेटल्स इनटू शीट्स एंड वायर्स, दैट इज देयर ब्रिटल प्रॉपर्टी. जैसे मेटल्स जो थे वो मैलेबल थे एंड डक्टाइल थे, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, बट यहाँ पर हम नॉन मेटल्स को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं शीट्स और वायर्स में, इसीलिए ये ब्रिटल करेक्टर शो करते हैं. और इसमें से फॉस्फोरस और सल्फर जो है वो सबसे ज्यादा ब्रिटल नॉन मेटल्स है. ओके, सो विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट नॉन मेटल्स, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आल्सो एंड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो. नेक्स्ट राइट डाउन, दे हैव लो डेंसिटीज. There is no exception in case of brittle nature. बस आपने ये दो याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा brittle है, exception नहीं है कोई इसमें. They have low densities. ठीक है, क्योंकि ये solid state और liquid state और gaseous state तीनों में exist करते हैं, तो generally इनकी solid state में भी जो metals की comparative density होती है वो कम होती है, और liquid और gaseous की तो density वैसे ही कम होती है क्योंकि empty spaces होते हैं. ठीक है, तो density को क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन, नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट. फोर्सेस की बात आ जाती है ना उसमें, आप इनके स्ट्रक्चर्स जब देखोगे तो फोर्सेस जो हैं वो ऐसे होती हैं जो इजीली ब्रेक नहीं करती हैं कार्बन कार्बन की. ठीक है, वैसे भी ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, देखा है आपने कभी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण इसमें एक्सेप्शन चले जाते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है. है, नॉन मेटल्स में वो तो हार्डेस्ट नोन ही है, वो तो हमने पहले ही कह दिया हुआ. हाँ, आप इंक्लूड कर सकते हो, पर हमने उसको मेल्ट थोड़ा ना करवाना है, वैसे ही हार्डेस्ट नोन है, हार्ड ही है. ठीक है, इजीली मेल्ट करेगी नहीं, वो तो पता ही है. ठीक है, नेक्स्ट, सोनोरोसिटी, दे आर नॉन सोनोरस. ओके, नो एक्सेप्शन. सोनोरिसिटी का मतलब व्हेन यू आर हिटिंग इट, लाइक मैं उसको हिट कर रही हूँ किसी चीज के साथ, इट इज गिविंग यू द साउंड, दैट इज कॉल्ड सोनोरिसिटी. तो हार्ट डायमंड वर्सेस किसी के साथ स्टिक करके देख ले या नॉक करके देख ले, तेरे को आवाज नहीं आएगी डायमंड से फिर. हाँ सॉरी, नो नॉट सोनोरस है वो. हाँ तो क्या हो गया, अब मुझे एक्सेप्शंस कौन कौन गिनाएगा, कौन कौन सी एक्सेप्शंस थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए. चलो स्टार्ट विद द एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स. सबसे पहले स्टेट बताओ, मेटल्स में कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मर्करी. ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विद द एक्सेप्शन ऑफ गैलियम एंड सीजियम. ठीक है, उसके बाद मेटल्स हार्ड होते हैं, बट कौन से सॉफ्ट हैं, सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, दैट आर सो सॉफ्ट दैट यू कैन इजीली कट देम विद द हेल्प ऑफ नाइफ. ओके, देन नॉन मेटल्स दे हैव शाइनी नेचर विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट एंड आयोडीन. ठीक है,
Non-metals are generally soft, but carbon is a non-metal which can exist in different forms, and those different forms are diamond and graphite. ठीक है. It is the hardest known substance and it is having very very high melting and boiling point both for the diamond and the graphite. That are the carbon molecules. ठीक है. Okay. And graphite is also a good conductor of electricity. ठीक है. Graphite is a good conductor of electricity. Now write down the chemical properties of metals. तो यहां तक हमने इनकी physical properties discuss कर ली हुई हैं सारी. क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म में है इसीलिए ये एक्सेप्शन में जा रहे हैं. इनमें कार्बन कार्बन की अगर आप देखो ना, इसकी हेक्सागोनल शीट होती है. तो यहाँ पर एक सिंगल कार्बन अटैच नहीं है, यहाँ पर छह कार्बन अटैच है. ये छह कार्बन ये ऊपर भी अटैच है, ये नीचे भी अटैच है. तो एक पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है. उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के कारण उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है. अगर आप एक सिंपल नॉन मेटल को लो, एज अ सिंगल एलिमेंट लो, फिर वो प्रॉपर्टीज नहीं वो शो करेगा. क्योंकि ये एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज जो है डायमंड और ग्रेफाइट की अलग है, डिफरेंट है. चलिए फर्स्ट राइट डाउन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. So any metal it reacts with oxygen to form metal oxide. ठीक है. Metal ले लेते हैं कोई भी, Na ले लिया है. ठीक है. It reacts with oxygen and it is going to give you Na2O. That is a metal oxide. Similarly magnesium ले लेते हैं, it gives MgO. पता है कैसे बना MgO? MgO पता है कैसे बना है? नाइन्थ रिकॉल करो. हैं? मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ. MgO कैसे बना वो पता है? हाँ ठीक है. उसके बाद पोटेशियम K2O. ठीक है जी. रिएक्टिविटी सीरीज बोल लो. टेंथ भी सोडियम फॉस्फोरस आगे बाकी ऊपर लिख दूं. गोल्ड. ठीक है जी. तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. राइम क्या बताई थी मैंने आपको? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आज आओ. ठीक है. एंड लास्ट प्लेटिनम को आपने याद रखना है. ओके. ठीक है. अब इस सीरीज को देख देख के हमने सारी रिएक्शंस कर ली पहली बार. ठीक है. दिस सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग ईच एंड एवरी रिएक्शन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एंड द अदर स्पीशीज. क्लियर. अब पहले हमने ऑक्साइड्स की बात की है कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बना रहा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड बना रहा है. अब हम इन ऑक्साइड्स की नेचर कैसे देखेंगे? आर दीज ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक इन कैरेक्टर? है. मेटल ऑक्साइड्स आर, सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ के आए हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर और बेसिक इन नेचर. अब ये हम कैसे देखेंगे बेटा? हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट? बाय रिएक्शन विद द दैट इज गोइंग टू गिव यू
plus hydrogen gas. NaOH is, it is a base. ठीक है, तो बेस की हम रिएक्शन कर सकते हैं विद दी लिटमस पेपर. ठीक है, लिटमस पेपर के साथ हम इसको टेस्ट कर सकते हैं. व्हाट वी विल बी यूजिंग, विच लिटमस पेपर वी विल बी यूजिंग, वी विल बी यूजिंग द रेड लिटमस पेपर. इफ द कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू देन इट इज बेसिक इन नेचर. तो जितने भी आपके मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे ऑल आर बेसिक इन कैरेक्टर. पीएच स्केल से देख लो, फिनोफ्थलीन यूज कर लो. ओके, एनी इंडिकेटर यू कैन टेक व्हिच गिव्स यू एक्चुअली द एसिड एंड बेस टेस्ट. ओके, सिमिलरली एक और रिएक्शन है. अब ये तो हमने मेटल्स के देख लिए हैं, अब सेकंड चैप्टर में आप नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स भी पढ़ के आए हो. कौन कौन से थे, जैसे कार्बन की रिएक्शन होती है विद द कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन की रिएक्शन होती है विद द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, दैट इज गोइंग टू गिव ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, दैट इज गोइंग टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली सल्फर की रिएक्शन, दैट इज गोइंग टू गिव यू सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, नाउ दीज ऑक्साइड्स दे आर एक्चुअली एसिडिक इन नेचर. ठीक है, एक्टिविटी हमने कैसे परफॉर्म करनी है, आपने सल्फर इन पाउडर्ड फॉर्म लेना है. यू विल बी टेकिंग सल्फर इन द पाउडर्ड फॉर्म. ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, इसके फ्यूम्स निकलने शुरू होंगे. बहुत ज्यादा मतलब विस्कस जो है, गाढ़े से फ्यूम्स जो है वो निकलने शुरू होते हैं, थिक फ्यूम्स. ओके, उन थिक फ्यूम्स को आपने एक टेस्ट ट्यूब में से पास करवा लेना. वो इतने ज्यादा मतलब होते हैं, थिक होते हैं कि आप इजीली उसको टेस्ट ट्यूब में से पास करवा सकते हो. ओके, ये जो इसकी पाउडर फॉर्म है, इसको जब आपने हीट करना है विद द एयर, ऑक्सीजन मींस वी आर हीटिंग इट इन द सफिशिएंट एयर. ठीक है, तो हमने उसको हीट करना है एंड यू विल बी गेटिंग सल्फर डाइऑक्साइड. तो वो जो सल्फर डाइऑक्साइड के फ्यूम्स हैं, आपने उसको किस में से पास करवाना है, वाटर में से. ठीक है, यू विल बी पासिंग द फ्यूम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड थ्रू द वाटर एंड व्हाट यू विल सी, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फरस एसिड या दोनों, H2, चलो H2SO3 which will be converted into further H2SO4. ठीक है, in the sufficient oxygen, वो किस में change हो जाएगा, SO4 में change हो जाएगा. यहाँ पर भी अगर आप उसको sufficient oxygen की supply दो तो आपके पास end point H2SO4 आ सकता है. Okay, now H2SO4 is an acid. ठीक है, acid है तो वो कौन सा test देगा, blue to red. ठीक है, सो इट शोज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, ठीक है, ये इसका कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एसिडिक एंड द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स. ठीक है जी, नाउ राइट डाउन फॉर द रिएक्शन विद द एल्यूमिनियम. और बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए मुझे, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखो एंड गिव मी द बैलेंस्ड इक्वेशन. रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन, फोर एल थ्री ओ टू इट गिव्स Al2O3, दैट इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन द फ्लेम, फ्लेम ऑफ पोटेशियम एंड कॉपर. अगर आप डायरेक्टली पोटेशियम या कॉपर को लेके, ठीक है, उसको हीट करते हो, तो जैसे आप कैंडल की फ्लेम देखते हो ना, वैसे ही आपके पास पोटेशियम की फ्लेम आती है.
पोटेशियम और कॉपर के. पोटेशियम की फ्लेम आएगी येलोइश गोल्डन. द फ्लेम ऑफ द पोटेशियम विल बी येलोइश गोल्डन इन नेचर. और कॉपर की आएगी इट इज ब्लूइश ग्रीन. कॉपर की है ब्लूइश ग्रीन. ठीक है, तो एज इट इज आपने अपने कंपाउंड्स लेने हैं. ठीक है, एक स्पैचुला पे ले लो और उसको हीट करना है इन द कैंडल फ्लेम. तो यू विल ऑब्जर्व दीज टू फ्लेम्स ऑफ द पोटेशियम एंड द कॉपर. पोटेशियम की कौन सी है येलोइश गोल्डन एंड उसकी ब्लूइश कॉपर. नाउ नेक्स्ट राइट डाउन रिएक्टिविटी. अब हमने हर एक की, मैंने पहले ही बोला है, जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है उसके बेसिस पे हमने ये सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस करने हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन कौन से मेटल्स जो हैं और कौन कौन से नॉन मेटल्स जो हैं इसमें रिएक्टिव नेचर के हैं. सबसे पहले वाले, पहले तीन, दे आर हाईली, मतलब सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, जैसे ही एयर में एक्सपोज हुए वैसे ही इनकी रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, द रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट. ठीक है, विग्रस है, फास्ट रिएक्शन है, स्पेशली ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम, सॉरी सोडियम, स्पेशली ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन नोट डाउन. Why sodium and potassium metals they are stored in kerosene oil? हाँ जी, क्लियर है. क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रस होती है. जैसे ही ये एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे they will catch fire very very easily. ठीक है, तो ये फायर कैचिंग वाले मेटल्स हैं, इसीलिए इनको हम पानी की बजाय किसमें स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन ऑयल. ठीक है, या इनको डायरेक्टली हम एयर में या वाटर में एक्सपोज नहीं करते हैं, बिकॉज व्हेन दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और द वाटर द रिएक्शन दे विल बी अंडरगोइंग द रिएक्शन दे विल बी फॉर्मिंग द ऑक्साइड एंड द रिएक्शन इज वेरी विग्रस इन नेचर दैट कैन कॉज फायर. ठीक है, तो बर्न्स हो सकते हैं, बर्निंग हो सकती है उसके कारण. ओके, अब पहले तीन की बात कर ली, अब उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम एल्युमिनियम और जिंक. मैग्नीशियम की रिएक्शन भी हमने लिख ली है MgO, एल्युमिनियम की भी लिख ली Al2, Zn की Zn plus O2 it gives ZnO. अब ये तीनों जो हैं दे कैन रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, तो इनकी रिएक्टिविटी कहाँ पर है? रूम टेम्परेचर, मतलब ये बहुत जल्दी फायर कैच नहीं करते हैं. ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं. देयर इग्निशन टेम्परेचर आप पढ़ के आए ना, इग्निशन टेम्परेचर 8th में, कैंडल कंबशन एंड फ्लेम इग्निशन टेम्परेचर आप पढ़ के आए हो. फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है. ठीक है, रूम टेम्परेचर के पहले ही वो क्या कर जाता है? बर्न कर जाता है. बट ये जो है ये रूम टेम्परेचर पे बर्न करते हैं. ओके, राइट डाउन फॉर द नेक्स्ट. कौन बचा अब? आयरन, लेड, कॉपर. अब हम इनकी बात करेंगे. ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया. अगर ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं तो ये किस टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे? एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब हमें उनको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा. ठीक है, सो राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ आयरन. ये रिएक्शन याद रखनी है आयरन की, Fe plus O2, it gives Fe3O4, balance it. Ferric oxide. Iron के दो, दूसरा और तीसरा ऑक्साइड है इसमें. This is iron 2 and 3 oxide का combination है, which is FeO and Fe2O3. ठीक है, तो यहां पर दो ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन है.